गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, टॉपिक आपने देख ही लिया होगा बोर्ड पे लिखा हुआ, बी एच वक्र। इसको हम शैथिल्य वक्र भी कहते हैं। बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, एच यानी कि चुंबकन क्षेत्र, इनके मध्य वक्र। सबसे पहली बात तो बी एच वक्र बनाया किन के लिए जाता है? बी एच वक्र बनाया जाता है लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए। बी एच वक्र किसके लिए बनाया जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए। लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन क्षेत्र एच के मध्य जो संबंध होता है वो जटिल होता है। लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन क्षेत्र एच के मध्य संबंध जटिल होता है, उसको समझाने के लिए हम लोगों ने शैथिल्य वक्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप प्रारंभ में ना एक ऐसा पदार्थ लीजिएगा जो चुंबक नहीं हो, यानी जिसमें चुंबक की गुण ना हो, विचुंबक के दो एक तरह से है ना। तो प्रारंभ में एक ऐसा पदार्थ लीजिए जो जिसमें चुंबक की गुण नहीं है और उसे आप परिनालिका के भीतर रख दो। परिनालिका एक ऐसी युक्ति है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जब किसी अचुंबकित लौह चुंबकीय पदार्थ को परिनालिका के भीतर रख दिया जाएगा तो वो चुंबक बनेगा। ठीक है, तो परिनालिका में जैसे जैसे धारा बढ़ाते हो, धारा बढ़ाने पर एच का मान बढ़ता है। ठीक, एच का मान बढ़ता है, एच का मान बढ़ता है तो सीधी सी बात है पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, जिसे ग्राफ में ओ ए द्वारा प्रदर्शित किया है, ओ ए से प्रदर्शित किया। अब ए के बाद अगर आप एच का मान बढ़ाओ, एच का मान कैसे बढ़ेगा बच्चों? विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर। एच का मान अगर आप बढ़ाओ तो चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बढ़ता, पदार्थ अपनी अधिकतम सीमा तक चुंबकित हो जाता है। इसे हम चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय संतृप्ति। इसके पश्चात कोई फायदा ही नहीं है एच का मान बढ़ाने का, इसके पश्चात एच का मान कम करो। इसके पश्चात एच का मान कम कर देने पर, यानी एच का मान कम करके जीरो भी कर दिया, तो आपने ये देखा पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय विद्यमान रहा। इस तरह के चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं अवशेष चुंबकत्व। इसको हम अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। अब परिनालिका में धारा की दिशा बदल दो, परिनालिका में अगर आप धारा की दिशा बदल देंगे तो एच का मान विपरीत दिशा में बढ़ाना होगा। एच का मान विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे तो बी का मान क्या हो जाएगा? एक निश्चित मान पर बी का मान शून्य हो जाएगा। एक निश्चित मान पर बी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर और बढ़ाओ तो पदार्थ, देखिए पहले बता देता हूं आपको, एक सेकंड इसको दोबारा बताओ। एच का मान विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे तो एक निश्चित मान पर बी का मान शून्य हो जाएगा। एच का वह मान जिस पर बी का मान जीरो हो जाता है निग्रहिता कहलाता है। ये निग्रहिता है, फिर आप एच का मान अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते रहो तो पदार्थ विपरीत दिशा में अपनी अधिकतम सीमा तक चुंबकित हो जाता है। वापस से कौन सी स्थिति आ गई इसकी? चुंबकीय संतृप्ति। फिर एच का मान घटाकर जीरो कर दो, एच का मान घटाकर जीरो कर देंगे तो भी बी का मान शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचा रहेगा। क्या बोलेंगे इसको आप? अवशेष चुंबकत्व। ठीक है, फिर एच का मान धनात्मक दिशा में बढ़ाओ, वापस से पदार्थ अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो ओ ए बी, ओ ए बी सी डी ई एफ ए को, इसी को हम बोलते हैं शैथिल्य वक्र। इसे ही हम क्या कहते हैं? शैथिल्य वक्र। बहुत अच्छा टॉपिक है ये,
और अब देखो पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें कहीं कोई, यह मान लीजिए इसमें कहीं भी कोई डेरिवेशन नहीं है। अब जब कहीं कोई डेरिवेशन नहीं है तो उसको याद करने में भी बच्चों थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए मैं जब उसको लिखाऊंगा ना पॉइंट्स में लिखा हुआ आपको मिलेगा, तब याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तीन चीजें समझो, चुंबकीय संतृप्ति, अपशेष चुंबकत्व और निग्रहता। चुंबकीय संतृप्ति वो अवस्था है जिसके बाद अगर आप एच का मान बढ़ाना चाहेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बढ़ेगा। अवशेष चुंबकत्व वो अवस्था है कि एच का मान जीरो है लेकिन बी का मान जीरो नहीं होगा। निग्रहता वो अवस्था है कि बी का मान जीरो है लेकिन एच का मान जीरो नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत आसान है, लेकिन और इसी के आधार पर हम चूज करते हैं मटेरियल्स को, यानी पदार्थों को हम चुनते हैं कि हम उसका क्या बनाएं, है ना, हम उसका क्या बनाएं, हम उसके स्थायी चुंबक बनाएं कि अस्थायी चुंबक बनाएं। ठीक है ना, ये इसकी व्यवस्था है। अब एक थोड़ा सा एक टॉपिक और दिया हुआ है उसको और समझा देते हैं आपको, और वो है स्टील और नरम लोहे का, नरम लोहे के शैथिल्य वक्र की तुलना। ये तो शैथिल्य वक्र था एक टॉपिक, अब अगला है आपका है स्टील व नरम लोहे की शैथिल्य वक्र की तुलना। शैथिल्य वक्र की तुलना कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले स्टील के लिए बना रहा हूं, सही नहीं बनाया, फोटो को दोबारा बनाता हूं, दोनों एक साथ बनाने को चाहिए ना। ये तो है स्टील का, ये है नरम लोहे का, ये स्टील का है, ये नरम लोहा है, ये नरम लोहा है। आप देख के आराम से बता सकते हैं ये H है ये B है। नरम लोहे में चुंबकीय क्षेत्र का मान स्टील में चुंबकीय क्षेत्र के मान से ज्यादा होता है, स्टील में निग्रहता नरम लोहे से निग्रहता से क्या होती है, ज्यादा होती है, चुंबकन ज्यादा है, इसका मतलब काई की वैल्यू भी स्टील के अंदर क्या है, ज्यादा है। तो ये दो चार से पॉइंट हैं जिसे हम ग्राफ के आधार पर देखकर बता सकते हैं। मैं एक बार फिर दोबारा पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि नरम लोहे में अवशेष चुंबकत्व का मान देखने से पता चल रहा है स्टील से ज्यादा है, स्टील में निग्रह क्षेत्र का मान नरम लोहे से ज्यादा है, और H के किसी मान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है, और हाँ स्टील का BH वक्र का क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है ना, अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है शैथिल्य हानि। चार पॉइंट है, आसान आसान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। शैथिल्य हानि देखो भाई, जिस किसी पदार्थ के शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतनी ही हानि ऊर्जा के रूप में होगी। कैसे, मैं सिंपल सी बात कहता हूं, इसको हटा रहा हूं डायग्राम को, है ना, अब समझना जरा बात को। आपको मैंने कहा था कि भाई देखो अगर आप किसी में चुंबकीय क्षेत्र बनाते हो बन जाता है H, चुंबकित हो गया, अगर आप H का मान बढ़ाते हो तो B का मान बढ़ता है, अब जब आप H का मान जीरो कर देते हो तो B का मान जीरो नहीं होता, मतलब H का, जब आपने H का मान बढ़ाया B का बढ़ा, लेकिन जब आपने H का मान जीरो कर दिया तो B का मान भी तो जीरो होना चाहिए था, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब B का मान जीरो करने के लिए आपको H को दूसरी दिशा में बढ़ाना पड़ता है, तो एक तरह से आपको उसको क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं
कि भाई बी का मान जीरो हो तो हमें उससे क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। यूं कह सकते हैं कि जब चुंबक बना रहे थे तो ऊर्जा दे रहे थे, जब चुंबक से विचुंबकित कर रहे हैं तो भी ऊर्जा दे रहे हैं। तो अब जब किसी पदार्थ को आप विचुंबकित करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऊर्जा दे रहे हैं, वो जो ऊर्जा दे रहे हैं वही है शैथिल्य हानि, है ना। चुंबकन के एक पूर्ण चक्र में प्रत्येक पदार्थ में चुंबकन के समय तो वो ऊर्जा ग्रहण करता है, लेकिन विचुंबकित होते समय पूरी ऊर्जा नहीं देता है, पूरी ऊर्जा नहीं देता है, यानी कि उसको अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है तब जाके वो ऊर्जा देता है। और इसका सूत्र है Q बराबर ए वी एम, बता देता हूं, ए जो है वो बी एच वक्र का क्षेत्रफल है, वी जो है वो पदार्थ का आयतन है, पदार्थ का आयतन है, एन एन आवृत्ति है, ये है सर क्यू बराबर ए वी एन, ये व्यवस्था है सर शैथिल्य हानि की। ठीक है बच्चों, अब हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं इसी पर आधारित शैथिल्य हानि के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर आपकी किताब का है, आप देख सकते हैं सातवां क्वेश्चन है बच्चों, है ना, सेवंथ क्वेश्चन, बस अब ये चैप्टर एक दो दिन में ही आपका लेक्चर्स में खत्म होने वाला है, एक टॉपिक रह गया इसमें, है ना, शैथिल्य हानि। मतलब सॉरी सातवां क्वेश्चन है आपकी बुक का, देखो लौह चुंबकीय पदार्थ के नमूने का द्रव्यमान, द्रव्यमान एम बराबर कितना है 0.6 किलोग्राम, घनत्व रो बराबर कितना है 7.8×10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एन बराबर कितना 50 हर्ट्ज, शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल ए बराबर कितना 0.722 मीटर स्क्वायर। तो शैथिल्य हानि क्या करनी है, शैथिल्य हानि क्या होगी इसमें, क्यू बराबर ए बी एन, तो ए दिया हुआ है, आयतन का सूत्र आप जानते हैं ना, रो बराबर एम अपॉन बी होता है, तो बी बराबर क्या होगा एम अपॉन रो, यानी कि एम अपॉन रो, आवृत्ति दी है 50, और सॉल्व करके रख लो 7×2×2 एम की जगह कितना 0.6 और रो की जगह कितना 10³, 50 पॉइंट से पॉइंट गया, 6 से कितनी बार गया 6×6 = 18, फिर गुणा कर दो 5×2×10 हासिल लगे 1, 5×2×10 और 1 11, 5×7=35 और 1 36, 13 का भाग लगा दो और 10³ कितना आएगा -3, और अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, इसे जब आप हल करेंगे कैलकुलेटर की मदद से कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप हल कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको हल करने पर जो आपको उत्तर प्राप्त होगा ना, ये आप ही की बुक का सातवां क्वेश्चन, ध्यान रखना बच्चों, है ना, एक मिनट बताता हूँ आपको मैं, इसको हल करने पर इसका आंसर आएगा 2.777×10⁻¹⁴ जूल। आप इसको बड़े आराम से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है, आप देखें इससे रिलेटेड नोट्स मैं पोस्ट कर दूंगा।